Realme C11, C12 and C15 screenshot setting। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम चेकआउट करेंगे स्क्रीनशॉट सेटिंग, ठीक है, हमारे डिवाइस में स्क्रीनशॉट सेटिंग किस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, और क्या क्या सेटिंग मिल जाते हैं इसके रिलेटेड में, ठीक है। तो अगर आपको भी जानना है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, मैं आपको शो करके बताऊंगा यहाँ पर स्क्रीनशॉट के रिलेटेड आपको क्या सेटिंग देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले बस जाके दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिलते रहे। अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो उसके लिए भी वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले तो ओपन करेंगे अपना सेटिंग को। सेटिंग जैसे ही ओपन होगा दोस्तों, आप थोड़ा सा नीचे कॉन्फिडेंस टूल इस सेटिंग को ओपन कर लीजिए, ठीक है। नीचे में जाके कॉन्फिडेंस टूल आपको मिल जाएगा, तो जाके ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जेस्चर एंड मोशन सेलेक्ट करना है, ठीक है। जेस्चर एंड मोशन पर जाके दोस्तों आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ही सेटिंग देखने को मिलेगा स्क्रीन शॉट के रिलेटेड में, ये है दोस्तों थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट, ठीक है। स्वाइप डाउन विथ थ्री फिंगर्स टू क्विकली टेक ए स्क्रीनशॉट, तो तीन उंगलियों से दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये उसी के लिए सेटिंग है। तो एक ही सेटिंग दोस्तों आपको दिया हुआ है, अगर आपको यूज़ करना है तो इसको इनेबल करते हुए यूज़ कर सकते हैं। ये इनेबल करने के बाद दोस्तों आप ट्राई करके देखिए अपने मोबाइल पर विथ थ्री फिंगर्स, ठीक है। थ्री फिंगर लीजिए और स्क्रीन पर स्वाइप डाउन कीजिए, आपके स्क्रीनशॉट क्लिक हो जाएगा। तो ठीक है, आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों डबल ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो यह है दोस्तों आपके मोबाइल पे स्क्रीनशॉट सेटिंग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।